गाजियाबाद के सुदामापुरी स्थित बालाजी एकेडमी स्कूल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना वार्षिकोत्सव मनाया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना के साथ की गई। इसके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप शर्मा ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इनमें गीत, नृत्य, नाटक और कविता पाठ शामिल थे। मंच पर आयोजित कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैकड़ों की संख्या में परिजन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने अपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। जिन बच्चों ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर एनपी सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे सभी गणमान्यों ने अपने भाषण में बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने विद्यालय के प्रबंधन, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति यह वार्षिकोत्सव विद्यालय के इतिहास में एक यादगार बन गया है और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के प्रबंधन, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम ने विद्यालय में उत्सव का माहौल बना दिया और छात्र छात्राओं में प्रेरणा का संचार किया। आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम है और कितने लोगों ने भाग लिया, आगे की किस तरीके की योजना, कौन सा वार्षिक उत्सव रहा? ये वार्षिक 14 वर्ष में हमारा इस साल रहा है और इसकी हमारी बहुत दिनों से हमारे अध्यापकों ने काफ़ी मेहनत की है और हम आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरीके से उन्नति करें और निरंतर ऐसे ही चलता रहे। क्या कहेंगे, कितने लोगों ने भाग लिया, बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से कलाओं को पेश किया? जिसमें हमारे स्कूल के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और आगे भी इससे ज़्यादा ही लेंगे। अभिभावकों के बारे में क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पहुँचे, किस तरीके से, मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि हमारे हमारा पूरा स्टाफ और हम स्वयं ही हैं। कितने लोग, कितनी संख्या में लोग पहले की अपेक्षा इस बार जो है पहुँचे हैं? इसकी लगभग 70% ज़्यादा अधिक लोग आए इस बार और इससे हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का भाव प्यार ही है। कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है इस मंच से? 150 बच्चे हमारे स्कूल के जो कि प्रथम श्रेणी में आए हैं इस बार। क्या कहेंगे चेयरमैन सर के लिए, क्या कहेंगे और सभी जो टीचर हैं जिन्होंने अपनी अपने माध्यम से जो प्रस्तुतियाँ पेश की हैं, क्या कहेंगे? इस बार में सबसे हमारे जो स्कूल का स्टाफ है और हमारे जो हमारे खुद की पूरे स्कूल के टीम है, उन्हीं की सारी ये मेहनत है। कुछ और कहना चाहेंगे, किस तरीके संदेश देना चाहेंगे किसी अभिभावक को? हाँ, मैं सभी अभिभावकों को यह कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का यह सबसे पहला प्रथम स्कूल ऐसा है जिसमें इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर किए जा रहे हैं और इससे बेहतर आगे भी किए जाएंगे और सभी अभिभावक एक बार इस विद्यालय में आकर एक बार जरूर देखें कि उनके बच्चे का भविष्य और स्कूलों से ज़्यादा बेहतर है। श्री बालाजी मेमोरियल स्कूल द्वारा कितने बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है? अभी भी हमारे विद्यालय में 25% ऐसे छात्र हैं जो हमारे क्षेत्र के निःशुल्क छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अन्य जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हमने आने वाले समय में एक स्कॉलरशिप का भी निकाला हुआ है और जो बहुत गरीब रेखा के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, उसे कोई भी चार्ज किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा।